Hello friends, welcome back to Excellent English Classes. My name is Deepak Sir. I am the director of Excellent English Classes. दोस्तों आज आप लोग एक बहुत ही कमाल का इंस्पायरिंग स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही कमाल का है. तो दोस्तों ये कहानी एक भिखारी का, एक भिखारी था वो क्या करता था, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था. तो जो भी आता था बोलता था मुझे भीख दे दो, मुझे भीख दे दो, ऐसा करके कुछ लोग दे देते थे. बट एक दिन उनका जो मुलाकात हुआ एक बिजनेसमैन के साथ, तो बोला ये तो बहुत बड़ा आदमी है तो ये ज़रूर ज़्यादा पैसा देंगे. तो बोला सर मुझे भीख दीजिए, मुझे भीख दीजिए. तो बोल रहा तो जो बिजनेसमैन थे तो उन्होंने बोला कि मैं आपको भीख क्यों दूँ. तो भिखारी ने बोला मैं एक भिखारी हूँ इसलिए आप मुझे भीख दीजिए, बट मैं क्यों दूँ, अगर मैं आपको पैसा दूंगा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जो भी है तो आप मुझे बदले में क्या देंगे. तो भिखारी बोला कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ. तो उस दिन उन्हें भीख नहीं मिला, जो भी मिला बाकी लोगों से बट उनसे नहीं मिला. वो घर चला गया, घर में जाके सो गया. अब सुबह को फिर जब वो आ रहे थे मतलब स्टेशन भीख मांगने के लिए, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ फूल थे जो बहुत अच्छे हैं और फूल लगे हुए हैं, जो पौधे छोटे छोटे उसमें फूल लगे हुए. तो उन्होंने सोचा कि जब भी मुझे आज से कोई भीख देगा तो मैं क्या करूँगा ना, उन्हें एक फूल का गुच्छा दूंगा. तो वो चीज़ उनके माइंड में आया, जब भी उन्हें कोई भीख देता तो क्या करते थे, फूलों का गुच्छा देते थे. अब क्या हुआ, ऐसे करके लोगों को देने लगा तो लोगों को भी अच्छा लगा और उन्हें भी अच्छा लगा. तो फिर बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुआ, तो जब उन्होंने 10 रुपया दिया बिजनेसमैन ने उस भिखारी को, तो भिखारी को बहुत अच्छा लगा और बिजनेसमैन को भी बहुत अच्छा लगा. और बिजनेसमैन बोला अरे वाह तू तो बिजनेसमैन बन गया. तो वो चीज़ उनके दिमाग में घर कर गया, बोले मैं बिजनेसमैन एक भिखारी. तो वो चीज़ वो समझने लगे और धीरे धीरे क्या कि लोग वो क्या करने लगे ना, फूल को बेचने लगे. आप फूल को बेचने लगे, जब भी कोई भीख देता था फूल देता तो उसके बाद भीख मांगना छोड़ दिया. जब भी पैसा आना शुरू हुआ फिर धीरे 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 टाइम लगा, यानी 5 साल बाद वो आसपास का सबसे अमीर इंसान बन गया और वो एक फूलों का व्यापारी बन गया. अब क्या हुआ, बिजनेसमैन कुछ हो गया था कंपनी में, तो घर जा रहे थे तो उनसे मुलाकात हो, सर बोल रहा आपने मुझे पहचाना. बोला नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है. बोला वही भिखारी जो आपने बताया था कि अरे तू तो बिजनेसमैन बन गया. तो सर मैं आज बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ तो आपसे भेंट हो गया. सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा जिंदगी बदल दिया, आपका वो लाइन मेरा जिंदगी बदल दिया. तो दोस्तों देखिए छोटी सी कहानी बट इसमें जो मैसेज है बड़ी कमाल का है कि आपका लाइफ में एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा लाइन, कौन सी बात से आप इंस्पायर हो जाएंगे और आप लाइफ में कमाल करेंगे आपको भी नहीं पता. तो दोस्तों ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ते रहिए. देखिए एक भिखारी बस एक वर्ड चल गया, अरे यार तू तो बिजनेसमैन बन गया, वो वर्ड उनके दिमाग में छा गया और वो मतलब इम्प्रेस हो गए उस वर्ड से. जैसे ही बिजनेसमैन ने बोला अरे यार तू तो बिजनेसमैन बन गया और वो सच में बिजनेसमैन बन गया. तो जरा सोचिए एक वर्ड से अगर कोई भिखारी बिजनेसमैन बन सकता है तो सोचिए वर्ड में कितना पार है. तो दोस्तों आप भी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते, बस खुद पर भरोसा रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ. दोस्तों अगर आपको अपने आप पर भरोसा है ना तो इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल. तो बस लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और सपने देखते रहिए और बड़ा से बड़ा सोचिए, थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग. और मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपना पैशन को फॉलो कीजिए. देखिए धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत अच्छा बात बोला है कि अगर आप खुद अपना सपना पूरा नहीं करेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे अपना सपना पूरा करने के लिए. तो दोस्तों हमेशा अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी को फैलाते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको छोटा सा वीडियो चला प्लीज लाइक दिस वीडियो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.